अर्चा! ए! अर्चा! दूर रहना, मैं गोली मारूंगा अपने आप को। नहीं, दूर रहना। अर्चा, बेवकूफी मत कर, क्या कर रहा है? सब खत्म हो गया ताई। प्लीज प्लीज अर्चा, मैं गोली मारूंगी। कोई रास्ता नहीं बचा है मेरे पास ताई, मैं गोली मार लूंगा अपने आप को। तू दूर रह। ए, गंदे! क्या कर रहा है? छोड़ो, छोड़ छोड़ो मुझे। क्या कर रहा है? पागल हो गया तू? क्या करने जा रहा था? हम लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा तूने? सोचा ही तो था, तभी तो ये करने जा रहा था। बाहर की दुनिया लोगों को जीने नहीं देती, और यहाँ जेल में हर दिन तिल तिल करके मैं मर जाता। मेरा मरना सही था ना ताई? कम से कम तुम लोग चैन से जी पाते बाहर। मैंने तुमसे बोला था ना, मैं सब ठीक कर दूंगी अर्षा, पर ये सब। मैडम, मिलने मिलने का टाइम अब खत्म हो गया, अभी से बड़े सेल में शिफ्ट कर रहे हैं, परमिशन लेके वहीं पे आइए। इंस्पेक्टर साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हम बड़े जेल मिलने आएंगे और ना ही आप हर्ष को बड़े जेल लेके जाएंगे। इसकी बेगुनाही का सबूत यहाँ पे खुद चल के आए। सर, मैंने आपसे कहा था ना, मेरा भाई बेकसूर है, हर्ष ने कुछ नहीं किया सर। चलो उधर, चलो। इसे फंसाया गया, वो ये लड़की, इसने झूठ बोला है सर। हर्ष ने कभी इसे कभी बदतमीजी नहीं की है सर। ये 17 साल की भी नहीं है सर, बड़ी है। आप देखिए सर वीडियो में। फोटो की मॉफिंग आप दोनों ही करेंगे ना? ध्रुव के चेहरे की जगह हर्ष का चेहरा अच्छे से लगा देना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। शक्ल से नहीं, वो हैवी शरीर, तभी तो उसको फंसाने में इतनी आसानी हुई मुझे। दिखने में तो मैं 20-22 की हूँ, लेकिन हूँ उससे भी बड़ी। एक लड़की हो के इतना बड़ा झूठ, हमें तो यकीन ही नहीं आता है कि। इसलिए आपने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की ना सर, इसलिए हमें करना पड़ा ना। आपने देखा सर वीडियो में कैसे ये बोल रही है कि ये हर्षा को फंसाएगी और वो जेल से बाहर ही नहीं आ पाएगा। कितनी आसानी से कबूल कर लिया कि ये 17 साल की नहीं है, बड़ी है। अगर मैं ये वीडियो लेकर नहीं आती सर, तो एक बेगुनाह लड़के को सजा हो जाती और ये गुनेगार लड़की अजाब हो। इतना घिनौना एग्जाम क्यों लगाया तुमने इस लड़के? क्योंकि आसान था ना सर, उसे पता था कि हर्ष की कोई सुनवाई नहीं होगी, जो आपने नहीं की ना। तुमने कुछ पैसों के लिए मेरे भाई की जिंदगी, उसका करियर, उसके सपने, सब कुछ दांव पे लगा दिया।